मैं हूँ क्रूडी योगी एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और पिछले पार्ट में हमने बनाया था एक मिनी पॉन्ड गपी फिश और मॉली फिश के लिए, बट उस टाइम पे हमने उसमें फिशेस ऐड नहीं करी थी और आज हम उसमें ऐड करने वाले हैं फिशेस। तो आइए देखते हैं अपना मिनी स्लैश छोटू सा पॉन्ड। और ये है वो पॉन्ड। अब इसका पानी एकदम क्लियर हो गया है और प्लांट्स भी बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रहे हैं और अब ये बिल्कुल बेस्ट टाइम है फिशेस को ऐड करने के लिए। तो आज मैं और मेरा कज़न ब्रदर जाने वाला है फिश स्टोर में और देखेंगे वहाँ पे कौन कौन से फिश अवेलेबल है। मैं फिंगर क्रॉस करता हूँ बस गपीज़ होनी चाहिए क्योंकि मेरे को गपीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है और हम ट्राई करेंगे कि हम गपी बाय करें। तो और मुझे याद आया कि मेरे पास थोड़ा फ़िश फूड भी ख़त्म हो गया था, मैं शायद फ़िश फूड भी बाय करूँ अपनी फिशेस के लिए। और मिलते हैं आपसे फिश स्टोर पे। तो हम पहुंच गए मयूर फिश एक्वेरियम और मैं यहाँ बहुत टाइम के बाद आ रहा हूँ। और उनके पास काफ़ी अच्छा कलेक्शन था फिशेस का, जैसे कि उनके पास थी बहुत सारी वाइब्रेंट सिक्लिड फिश जो कि पैरट सिक्लिड वैरायटी से थी और उसमें अलग अलग टाइप की सिक्लिड्स थे। और उनके पास थी गोल्ड फिशेस जो कि सबकी ही फेवरेट फिश है। और दूसरे टैंक्स में थे उनके पास कुछ अल्बाइनो रेनबो शार्क्स और सिंपल रेनबो शार्क्स। और मेरी फेवरेट एंजल फिश, ये मार्वल एंजल फिश है। और उनके पास थी कुछ नियॉन टेट्रा और किसिंगुरामी। और फिर मेरे को पसंद आई ये ब्लू अकारा सिक्लिड्स और इनमें से मैंने कुछ बाय भी कर लिए। फिर हमें मिली कुछ नियॉन जेब्रा फिशेस और हमें दिखा एक पाकू जिसे कि पिराना भी कहते हैं। और उसके बगल वाले टैंक में ही था बाइसर, ये एक प्रीहिस्टोरिक फिश है। और हमें मिले कुछ सिल्वर डॉलर्स जो कि काफ़ी वाइब्रेंट फिश है। फिर दिखे हमें कुछ टाइगर बार्ब्स और आखिरी में हमें दिखे कुछ वाटर पपीज़ जिन्हें ऑस्कर फिश भी कहते हैं। और उनके पास फिश फूड भी बहुत सारा था और कुछ डेकोरेशन जिनका हमारे से कोई भी वास्ता नहीं है। तो मैंने बाय करा ये फ़िश फूड जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा सिक्लिड फिशेस के लिए। और मैंने बाय करी ये ब्लू अकारा जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी और मेरी वन ऑफ द फेवरेट फ़िश होने वाली है। और ये थी हमारी सारी की सारी फिशेस। और अब हम जा रहे हैं दूसरे एक्वेरियम में क्योंकि हमें यहाँ पे मॉली फिशेस और गपी फिशेस नहीं मिल पाई, बट हम यहाँ पे भी आए और इनके पास भी कलेक्शन में ज़्यादा फिशेस नहीं थी। तो फिर हम उसके बाद चले गए घर। वो तो निकाल लेता yeah. गाइस ये हमारे दो जिगर के छल्ले, ये है जैकी बेटा बहुत खुश हो गया है। दोस्तों वीडियो आपके दिल को छू जाएगी दोस्तों। एक बार एक लड़का रास्ते से जा रहा होता है, ये रहा हमारा बॉय जैकी, ये बहुत खुश हो गया है हमको देख के। दोस्तों ये वीडियो आपके दिल को छू जाएगी दोस्तों। एक बार एक लड़का रास्ते से जा रहा होता है, फिर उसे चलते चलते रास्ते पे एक जैकी नाम का कुत्ता मिलता है। जैकी तेरे लिए दोस्त लेके आए हम बहुत सारे। प्लान में बहुत बड़ा चेंज आ गया है और मुझे बहुत ज़्यादा किराया आ रहा है। हम पूरा ऋषिकेश घूम गए और किसी भी दुकान में हमें मॉली और गपी जैसी छोटी छोटी फिशेस भी नहीं मिली, बट हमें वहाँ पे कुछ अच्छा सा मिला। और हमें मिले वहाँ पे कुछ ब्लू अकारा सिक्लिड और कुछ अनआइडेंटिफाइड सिक्लिड है, बट और ये अच्छी तरीके से मुझे मिल गई। और अगर आपको इनका नाम पता है तो बिल्कुल कमेंट में मुझे बता देना क्योंकि आई एम नॉट अ सिक्लिड गाय। तो इन्हें जल्दी से करते हैं एक्लिमेट अराउंड 15 मिनट के लिए। ये मेरा सिक्लिड पॉन्ड और इसमें मैंने एक्लिमेट करने के लिए डाल दिया इनको अराउंड 15 मिनट्स के लिए। और वो रहे मेरे पोलर पैरेट सिक्लिड और वो चेकआउट कर रहे हैं अपने न्यू फ्रेंड्स को। तो मिलते हैं आपसे 15 मिनट के बाद। और ये सारे के सारे पैरेट सिक्लिड देख रहे हैं इनके नए फ्रेंड्स को। और अब 15 मिनट हो गए हैं तो इन्हें ऐड करते हैं जल्दी से पॉन्ड में। चलो प्रभास भैया जल्दी से खोल दो इनको। उनकी सुंदरता निहार रहा है तुमकी यहाँ पे। और ये है दूसरा वाला, ये भी बहुत मस्त सा है यार। उसके कलर कितने सही लग रहे हैं, नियॉन टाइप का, बहुत ही प्यारा। हर्षित कैसे लगे आपको? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लाइक करने के लिए बोल दो, लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, शेयर करना अपने दोस्तों। और देखिए तेरे दांत ना गए। निकालते हैं, दो और सिक्लिट बच्चे हैं। एक मैं भी निकालूंगा। ना 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 ना। ओ आई नहीं रहे। सो ये सिक्लिड है, इसका मुझे वैरायटी का नाम नहीं पता, प्लीज कमेंट में बता देना। बट ये बहुत अच्छे लग रहे हैं यार। हर्षित कैसा लगा? बहुत मस्त। और ये गया आराम से। और ये गया लास्ट। ये स्ट्रीमलाइन बॉडी है उसकी। भाई मेरे हाथ पे आ रहे हैं, देख। और ये था हमारा नया फिश फूड। और एक या दो दिन के बाद ही फीड करूँगा ना उन्हें, क्योंकि अभी नए थोड़े स्ट्रेस आउट हो रहे होंगे, वरना उनकी डेथ हो सकती है और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं वो मरे। तो यहाँ पे हमने कर दिए सारी फिशेस को ऐड और अब जाएंगे हम नानी के घर। और हम प्लान कर रहे हैं कि उस छोटे वाले मिनी पॉन्ड के लिए हम कोई फिशेस ले शायद ले हम डायनियोस या फिर छोटी नहीं हो गया फिश कीपिंग में। हाँ नहीं भैया, वो हमारे सीनियर तो ऐसे बताते हैं। कौन है आपके सीनियर? पाटिल जी हैं कोई, हम ऐसे बोलते हैं उनको। आप तो सीधा सीधा रोस्ट कर रहे हो भैया उन्हें। नहीं हम तो नाम ही नहीं ले रहे हैं। पर वो आपने ही तो बोला निखिल पाटिल। हमने कब बोला? इसने बोला। इसने बोला। हाँ आपने बोला। फिर हम पहुंच गए दोबारा से दुकान में और हमने भैया को बोला कि आप हमें केवल 4 ज़ेबरा फिशेस दे दीजिए, जिससे पॉन्ड में कुछ ना कुछ फिशेस तो रहे, क्योंकि हमारा प्लान बिल्कुल ही चेंज हो गया। मौली और गपीस तो हमें कहीं भी नहीं मिली और वो फिशेस हमें काफ़ी पसंद आ रही थी, ज़ेबरा फिशेस, तो हमने उनको ही पैक और आ गए हम घर। और एंड में हमने ज़ेबरा फिश ही ली, क्योंकि पूरे के पूरे ऋषिकेश शहर में मॉलीज और गपी फिश का अकाल पड़ गया और हमें कहीं नहीं मिली। तो अब जल्दी से चलते हैं छत पे और इन्हें करते हैं एक्लिमेट। और यहाँ पे दोनों पॉन्ड बिल्कुल साफ हो गए और ये वाला पॉन्ड का पानी बिल्कुल मस्त गुनगुना हो गया फिशेस के लिए, एकदम मस्त। और यहाँ पे गोल्ड फिशेस और कोई बिल्कुल मजे ले रही हैं। ओहो कोई की किसेस। हाँ तो भाई बनाया भी तो तुमने ही है, काम तो तुम एक नंबर करते हो। अब जल्दी से करते हैं इन्हें एक्लिमेट। और हम यूज़ कर रहे हैं ड्रिप एक्लिमेशन मेथड, क्योंकि अगर हम इन्हें यहाँ पे अभी एक्लिमेट करने के लिए छोड़ेंगे तो ये उबल जाएंगी, इतनी गर्मी हो रही है। तो जल्दी से करते हैं ना एक्लिमेट। और प्रभाष भैया आप क्या कर रहे हो? मैं एक्लिमेट कर रहा हूँ अभी पॉन्ड से। प्रभाष भाई थोड़ा सा पानी निकाल रहे हो और थोड़ा पानी इस बैग में डालते रहेंगे, जिससे फिशेस क्या हो जाए, अच्छे से एक्लिमेट हो जाए और उन्हें टेम्परेचर शॉक ना लगे। और टेम्परेचर शॉक की वजह से आपकी फिशेस की डेथ हो सकती है, इसलिए जब भी नई फिशेस को एक नए पॉन्ड में इंट्रोड्यूस करें तो उन्हें एक्लिमेट करें अराउंड 15 मिनट्स के लिए, या फिर 10 मिनट भी बहुत है। तो जल्दी से करते हैं ना एक्लिमेट और मिलते हैं 15 मिनट के बाद। हो गए 15 मिनट और इस वाले बैग में भी काफ़ी पानी भर गया है। अब इसमें से निकालते हैं 4 फिशेस को और ये महाभारत होने वाली है मेरे हिसाब से तो। बट हम पे हैं यहाँ पे नेट, हथियार। अब इसमें डालेंगे इसको जल्दी से। ओह जम्मा रही भाई समरसॉल। सो ये वाला पॉन्ड बिल्कुल रेडी हो गया और फिशेस आराम से घूम रही है इसमें, बिल्कुल एंजॉय कर रही है। रूट्स के बीच में से जा रही है और एक दूसरे को चेज करे जा रही है। हाँ तो प्रभाष भाई बताओ आपको कैसा लगा ये पॉन्ड? बहुत बढ़िया। जो पहले गंक था उसे तो बहुत अच्छा। ओके ओके, तो कमेंट में भी ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा ये मिनी पॉन्ड। और सारी की सारी जेब्रा फिशेस इधर उधर हुए जा रही है और उन्हें काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि बिल्कुल एक नेचुरल हैबिटेट की तरह है। बहुत सारी रूट्स हैं जिसके बीच में वो आराम से जा सकते हैं और इन्हें हम कब करेंगे फीड? एक दिन के बाद, क्योंकि अभी वो बिल्कुल स्ट्रेस हो रखी हैं और उन्हें कल ही फीड करेंगे हम। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।